दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी थोड़ी हटके है, जिसमें हमें एक ऐसे सभ्यता को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि आज से 20,000 साल पहले उत्तरी यूरोप में रहा करते थे। तो दोस्तों, बिना और देरी के और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20,000 साल पहले, जब ना तो जिंदगी को जीने का कोई आसान तरीका था और ना ही कोई ऐसी एक जगह है जिसे कोई अपना घर कह सके, तब बस दो ही चीज था, शिकार और शिकारी, जहाँ पर हर किसी को अपनी जान को बचाने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था, जो कि वहाँ का एक कानून सा बन चुका था, जिसको मानते हुए वहाँ पर रहने वाले कई आदिवासी कबीलों के बीच एक छोटा सा शिकारी आदिवासियों का कबीला आने वाले ठंड के लिए खाना जमा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें टाओ, जो कि उस छोटे से झुंड का लीडर होता है, वो सभी नौजवानों को शिकार पर लेकर जाने का प्लान बनाता है, ताकि वो नौजवान सीख सके कि शिकार कैसे किया जाता है, जिनके बीच टाओ का बेटा केड़ा भी मौजूद होता है, जो कि टाओ के मुताबिक इन सब चीजों के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन टाओ की बीवी यानी कि केड़ा की माँ को ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी टाओ अपने फैसले से नहीं बदलता और वो कीड़ा को बाकी नौजवानों के साथ शिकार पर लेकर जाता है, जो कि उनके घर से बहुत दूर होता है, जहाँ पर टाओ कीड़ा को परखने के लिए एक जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है, जो कि टाओ ने ही खुद पकड़ा था। लेकिन कीड़ा कई कोशिशों के बावजूद भी ना चाहते हुए उस जंगली सुअर को नहीं मार पाता, जबकि कीड़ा को यह पता था कि अगर वो ये आसान काम भी नहीं कर पाता तो उसका वहां पर मजाक बनेगा, जो कि बनता भी है, और वैसे वैसे दिन भी ढल जाता है, जिसके वजह से टाओ और बाकी के लोग आग जलाकर उसके आसपास बैठकर खाना खाते खाते अपने बहादुरी का किस्सा सुनाते हैं। लेकिन तभी उस आग से आकर्षित होकर वहां पर एक मैक्रोडस आ जाता है, जिसके वजह से वहां पर डर का माहौल बन जाता है, और देखते ही देखते वो मैक्रोडस उनमें से एक को ले जाता है, जिसे देखकर कीड़ा डर जाता है, लेकिन ताओ उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद ताओ और बाकी के लोग उस लड़के को मरा हुआ मान के उसे श्रद्धांजलि देने के तौर पर कुछ पत्थरों को एक साथ रखते हैं, जो कि कबीले के किसी एक सदस्य को खोने का निशानी होता है, जिसके बाद ताओ और उसके बाकी के साथी शिकार पर जाते हैं, जिनको खुशकिस्मती से शिकार करने के लिए स्टेप बायसन का एक झुंड मिलता है, जिनके ऊपर टाओ और टाओ के बाकी के साथी छुपते छुपाते हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और बायसन का झुंड बचकर भागने के लिए दूसरी ओर भागते हैं। लेकिन दूसरी ओर खाई होने के वजह से ज्यादातर बायसन गिरकर मर जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बायसन खाई को देखते ही दूसरी तरफ भागता है और बदकिस्मती से केड़ा उसके रास्ते के बीच आ जाता है, जो कि केड़ा पर कई बार हमला करता है और आखिर में केड़ा को खाई में फेंक देता है, जो कि गिरते गिरते कई सारे चट्टानों से टकराता है और फिर बीच के एक चट्टान में गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर केड़ा के पिता ताओ वहां पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लोग उसे नहीं उतरने देते क्योंकि वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा बुरी खबर थी वो ये थी कि सब लोग मान चुके थे कि कीड़ा मर चुका है, इसलिए टाओ बड़े ही दुख के साथ पत्थरों को एक साथ रखते हुए अपने बेटे को अलविदा कहता है। लेकिन जब ये सब हो जाता है और टाओ और बाकी के लोग वहां से वापस अपने बस्ती में चले जाते हैं, तब अचानक कीड़ा को होश आता है, जो कि असल में बेहोश था, जो कि होश में आकर ये महसूस करता है कि उसका एक पैर टूट चुका है, जिसके वजह से कीड़ा बहुत ही दर्द में होता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके इस मदद की फुहार को कोई सुनने वाला नहीं था। हालांकि कीड़ा अब भी इस बात से अनजान है कि उसके कबीले के लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए वह हिम्मत दिखाकर वहां से अपना टूटा पैर लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसके वजह से उस खाई के नीचे बाढ़ आने लगता है, लेकिन उसी के साथ ही साथ
केड़ा का उस चट्टान के ऊपर से पकड़ भी छूटने लगता है, जिसके वजह से केड़ा मौत को ही अपनी किस्मत मानकर उस चट्टान को छोड़ देता है और बाढ़ के उस तेज बहाव में जाकर गिरता है, जिसके कुछ समय बाद केड़ा फिर से होश में आता है और एक बार फिर से वो अपने टूटे हुए पैरों पर हाथ रखकर मदद के लिए चिल्लाता है, पर इस बार भी केड़ा को सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए केड़ा कुछ पत्थरों की मदद से खुद ही अपने पैरों को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ से वो गिरा था। लेकिन केड़ा को वहाँ पर कोई नहीं मिलता सिवाय कुछ पत्थरों के, जिसका मतलब केड़ा बखूबी जानता था। इसलिए वो दुखी होने के साथ साथ थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि वो अभी यह जान चुका था कि उसके पिता और उसके लोग वापस घर लौट चुके हैं, जिसका रास्ता केड़ा को सही से नहीं पता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी केड़ा किसी भी हाल में घर जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी कुछ भेड़िए केड़ा को देख लेते हैं और केड़ा पर हमला कर देते हैं, जिससे बचकर भागते हुए केड़ा एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उनमें से एक भेड़िया केड़ा के पांव को पकड़ लेता है, जिसे केड़ा छुड़ाने के लिए एक चाकू से हमला करता है और उस भेड़िये को घायल कर देता है। लेकिन फिर भी दूसरे भेड़िये केड़ा का पीछा नहीं छोड़ते, वो उस पेड़ के नीचे ही केड़ा का इंतजार करते हैं। लेकिन रात होने के कुछ देर बाद वो भेड़िये वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उसके अगली सुबह केड़ा उस भेड़िये को एक बार फिर से देखता है जिस पर केड़ा ने हमला किया था, और वो देखता है कि वो भेड़िया अब भी जिंदा है। इसलिए केड़ा उस भेड़िये को मारने के लिए भी जाता है, लेकिन एक बार फिर केड़ा नहीं मार पाता, बल्कि केड़ा अब उसे बचाने के बारे में सोचता है। इसलिए वो सबसे पहले उस भेड़िये के मुंह को बांध देता है ताकि वो काट ना सके, और ऐसा करते ही वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से और बाकी शिकारी जानवरों के डर से केड़ा किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रुकता है, जहाँ पर वो उस भेड़िये के घाव को ठीक करने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके घाव को धोना और उस पर जड़ी बूटी लगाना। केड़ा सब कुछ करता है, यहाँ तक कि केड़ा उसे पानी के साथ साथ खाना भी देता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और ऐसे ही देखते ही देखते दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन जाता है, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे और भी मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से केड़ा उस भेड़िये का नाम एल्फा रखता है। लेकिन इन सभी अच्छी चीजों के बीच केड़ा अब भी ये नहीं बोलता कि वो अभी भी अपने घर से बहुत दूर है और बर्फीली ठंड बहुत ही नजदीक। लेकिन फिलहाल जो परेशानी केड़ा को सबसे ज्यादा सता रही थी वो था खाना, क्योंकि केड़ा के ढंग से शिकार ना कर पाने के वजह से दोनों को ही कम खाना मिलता था, जिससे कि एक का भी पेट ना भरे। इसलिए अब एल्फा भी शिकार के वक्त केड़ा का साथ देने लगा। हालांकि केड़ा शुरुआत में तब भी शिकार नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो एल्फा की मदद से सीखने लगता है। पर इन्हीं सभी रोमांच के बीच केड़ा को एक दिन एक भेड़िये का झुंड दिखता है, जो कि दरअसल एल्फा का ही झुंड होता है, जिसके वजह से केड़ा ना चाहते हुए भी एल्फा को उनके साथ जाने के लिए कहता है और एल्फा चला जाता है, जिसके बाद केड़ा अपना सफर जारी रखता है। और ऐसे ही दिन महीनों में बदल जाता है, जिसके साथ साथ गर्मी का मौसम भी ठंड में बदल जाता है। लेकिन अब भी केड़ा का सफर पूरा नहीं होता, वो चल ही रहा होता है कि वो एक जमी नदी के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक और भेड़िये का झुंड किसी चीज को खा रहा है, जिसको करीब से देखने के बाद केड़ा ये देखता है कि वो एल्फा का ही झुंड है, जिसको बाकी के भेड़िये खाना भी नहीं दे रहे, जिसे देखते हुए केड़ा एल्फा की तरफ भागता है। लेकिन बर्फ की परत टूटने की वजह से वो नदी में गिर जाता है, पर तभी एल्फा वहाँ केड़ा को बचाने के लिए आ जाता है और बड़ी ही बहादुरी से केड़ा को बचा लेता है। लेकिन इस बार एल्फा अपने झुंड के साथ वापस नहीं जाता, वो केड़ा के साथ ही रुकने का फैसला करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक बार फिर से अपने सफर पर चल देते हैं, जो कि चलते चलते एक बस्ती तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन वहाँ पर एक ही घर होता है और एक इंसान जो कि ठंड से मरा हुआ होता है। हालांकि यहाँ पर भी केड़ा मदद न मिलने पर उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस लाश से उसका तीर और धनुष लेकर उसके मदद के लिए शुक्रिया कहता है और फिर से वहाँ से चल देता है। और ऐसे ही चलते चलते सफर में फिर से कुछ दिन बीत जाता है, पर तभी केड़ा का नजर कुछ लकड़बग्घों पर पड़ता है जो कि केड़ा और अल्फा का पीछा करते हैं, जिनसे बचते बचाते केड़ा और अल्फा एक गुफा में जा छुपते हैं। लेकिन उस गुफा में कोई और ही मौजूद होता है, जिसके मौजूद होने का पता अल्फा को हो जाता है, जो कि दरअसल दूसरा मैक्रोडस होता है, जिसको देखकर केड़ा घबरा जाता है। और देखते ही देखते वो मैक्रोडस केड़ा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अल्फा उनके बीच में कूद जाता है और उस मैक्रोडस का सामना खुद करता है। लेकिन साइज में छोटा होने के वजह से अल्फा कमजोर पड़ता है, जिसको देखकर केड़ा जल्दी से उस तीर और धनुष का इस्तेमाल करके उस मैक्रोडस को मार देता है। पर इस लड़ाई के बीच अल्फा बहुत ही जख्मी हो जाता है, जिसके वजह से केड़ा अल्फा के जख्म के भरने तक उसी गुफा में रहता है और उस मरे हुए मैक्रोडस को खाता है, जिसके कुछ दिन बाद केड़ा और अल्फा सफर फिर से शुरू करते हैं, जिसके दौरान केड़ा को आखिरकार अपने घर के पास होने का एक निशानी मिलता है, जिसको देखकर केड़ा अल्फा को ये कहता है कि अब वो घर के बहुत ही करीब है। और ये कहते ही वो सफर को जारी रखते हैं, पर अल्फा चलते चलते अचानक गिर जाता है, जिसको देखकर केड़ा ये समझ जाता है कि अल्फा की तबीयत खराब है, इसलिए वो अल्फा को गोद में लेकर चलना शुरू कर देता है। लेकिन रात होते ही वो भी थक कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जो कि होश में आते ही बिना और देरी किए अल्फा को उठाकर फिर से चलने लगता है, क्योंकि अल्फा की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है। इसलिए केड़ा भूख और प्यास लगने के साथ साथ थकने के बावजूद भी नहीं रुकता, और जैसे जैसे वो अपना कदम बढ़ा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो घर के बहुत ही करीब है। और ऐसा करते करते वो आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर केड़ा के पिता ताऊ को देखकर ये यकीन नहीं होता कि केड़ा जिंदा है। हालांकि केड़ा को घर लौटने के साथ साथ अपने माँ बाप से वापस मिलने का खुशी तो था ही, लेकिन उसे अल्फा की फिक्र ज्यादा हो रही थी, जिसके वजह से केड़ा अपने पिता से अल्फा को बचाने के लिए कहता है, जो कि आखिर में बच तो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ अल्फा उस कबीले को कुछ नया तोहफा देती है, जो कि अल्फा के बच्चे होते हैं, जिनको ताऊ खुशी के साथ साथ अपने कबीले का हिस्सा बना लेता है, जो कि कुछ महीनों बाद एक नई सुबह के साथ एक नए सफर पर जाते हैं। पर इस बार ये कबीला कुछ अलग दिखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।